दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजों को अच्छा संकेत बताते हुए वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने बुधवार को कहा कि जिन लोगों ने धार्मिक नफरत फैलाई और नए नागरिकता कानून को लेकर फायदा उठाने की कोशिश की उन्हें उखाड़ फेंका गया। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी आपने अपने मुख्य विपक्षी दल भाजपा को करारी शिकस्त देते हुए मंगलवार को दिल्ली में प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की। छत्तीसगढ़ में पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने शाहीन बाग प्रदर्शन के संदर्भ में मतदाताओं से चुनाव पूर्व अपील के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष किया। सिंह अंबिकापुर जिले में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री थी। एस सिंह देव की मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए छत्तीसगढ़ आए हुए हैं। उन्होंने कहा, अमित शाह जी ने लोगों से इतनी जोर से वोटिंग बटन दबाने के लिए कहा कि उसका कट शाहीन बाग में महसूस हो। महबूबा मुफ्ती की बेटी ने यह कहते हुए अच्छा बयान दिया कि मतदाताओं ने इतनी जोर से बटन दबाया कि भाजपा को कट लग गया।